हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और जो दोस्त अब तक चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। और देखिए दोस्तों, ये कुछ ऑनलाइन टेस्ट हैं जो कि अवेलेबल हैं, सारे के सारे 20 टेस्ट 120 रुपये में, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, ग्रुप डी, वीडियो, ALP CBT 2, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी टेस्ट परचेज करना है तो आप परचेज कर सकते हैं। डिस्काउंट कोड है सौरभ SPL, इसको भर के आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है डायरेक्शन से, इसमें बोला जा रहा है ए और बी एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है और दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। बी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ता है, मतलब चलकर दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? देखिए, जहाँ से भी ये चलना स्टार्ट करेंगे वो एक पॉइंट होगा। एक तो उत्तर की ओर को निकल जाएगा और एक निकल जाएगा यहाँ पे पश्चिम की ओर को, ठीक है। तो देख लेते हैं, जैसे जैसे इन्होंने बोला है उसको कर लेते हैं। ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है और दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले हमने ए को चला दिया उत्तर की ओर, ठीक है, 3 किलोमीटर, और दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर यहाँ पे वो चल दिया है, ठीक है। तो ए का जितना चलना था वो हमने कर दिया है। अब दूसरी लाइन पर आते हैं और दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। बी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो अब बी ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया और 5 किलोमीटर चला, दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, यानी कि बी अब यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है इसमें, 3 किलोमीटर जाता है, वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछ ली, इनके बीच में दूरी कितनी है, कितना डिस्टेंस है। तो देखिए सिंपल सा है भाई, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता है 4 है, यहाँ से यहाँ तक की पता है, तो इसका मतलब ये भी 5 होगी। तो ये 5 है, ये 4 है, तो 5 और 4 9, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, 9 किलोमीटर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए बस डायरेक्शन का, अदरवाइज जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाने हैं ना वो इसी प्रकार के पूछे जाएंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको जल्दी से ट्राई करिए और इसका राइट आंसर क्या रहेगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें पूछा जा रहा है दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक सीरीज इसमें फॉलो हो रही होगी, ठीक है, एक सीरीज या दो सीरीज जो भी फॉलो हो रही होगी इसमें, उसमें एक नंबर ऐसा होगा कि जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा, वो आपको बताना है, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ट्राई आप कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है 13, 29, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है आपका 16 का, यानी कि 13 में आपने 16 प्लस किया तो 29 हो गया, 29 में भी आप 16 प्लस करेंगे तो आपका क्या होगा, ये यहाँ पे 45 होगा, यहाँ पे 44 लिखा है, फिर 45 में आप 16 प्लस करेंगे तो 61 हो जाएगा, यानी कि 16 प्लस का यहाँ पे स्क्वायर ये चल रहा है सीक्वेंस, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 24 में 15 प्लस करेंगे तो 39 बन जाएगा, ठीक है, 39 में आप 15 प्लस करेंगे तो 54 बन जाएगा, 54 में 15 प्लस करेंगे तो 69 बन जाएगा। तो ये इस तरीके से सीरीज आपकी कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्लस चल रहा है 16 ये वाला और ये इसमें चल रहा है 15 प्लस, तो ये वाली जो सीरीज है जो प्लस 16 वाली है, ये इसमें ये 44 वाला फॉलो नहीं करता है, यहाँ पे 45 आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे 44 लिखा है, इसका मतलब यही रॉन्ग हो जाएगा और आपका राइट आंसर 44 बन जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 3 को, और जो भी इसका राइट आंसर आता है वो अपना कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को रोक करके ट्राई कर लिया होगा, इसमें आपको बताना है ये वाला नंबर, ठीक है, सिंपल है भाई, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आशा करता हूँ कि आपने ट्राई कर लिया होगा, इसका आंसर कर भी दिया होगा। यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे इन दोनों का प्लस माइनस ये चल रहा है, ठीक है। तो 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9, ठीक है, 9 और 5 14 में से 3 माइनस करेंगे तो 11, फिर आपको यहाँ पे 6 और 7 कितना हो जाएगा 13। अब 13 में से क्या माइनस करें कि 9 आ जाए, तो 13 में से आप 4 माइनस करेंगे तभी तो 9 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस, तो ठीक है, तो ये आपका यही राइट आंसर बन जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा
ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर में क्या आएगा, इसको कंप्लीट करिए सीरीज को। इसमें चल रहा है आपका प्लस एट। ठीक है, प्लस एट का मतलब है कि ए में प्लस आपने एट किया तो आपका आई बन जाएगा, आई में प्लस आपने एट किया तो क्यू बन जाएगा। ठीक है भाई, ए आपका वन पे आता है, आई आपका नाइन पे आता है, तो वन और नाइन के बीच का डिफरेंस कितना, एट। तो ए में प्लस एट किया तो नाइन बन गया। फिर आपका क्यू सेवनटीन पे आता है, ठीक है, तो नाइन में आपने एट प्लस किया तो सेवनटीन बन गया। फिर आपको क्यू आपका सेवनटीन पे आता है, सेवनटीन में एट प्लस करेंगे ट्वेंटी फाइव, और ट्वेंटी फाइव पे आपका वाई आता है, यानी कि वाई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आप इसको देखिए, यहीं से क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दीजिए। अब वाई इसमें आएगा, इसका मतलब ऑप्शन डी आपका हो सकता है, ऑप्शन ए हो सकता है, सी और यहाँ पे बी तो कभी नहीं हो सकता। दो आपने हटा दिए, दो बच गए आपके। फिर आप एट प्लस करिए, बी में आपने एट प्लस किया, जे, जे में प्लस एट किया तो आर, आर में प्लस एट करेंगे तो क्या होगा, देखिए आर आपका जो आता है वो एट्टीन नंबर पर आता है, एट्टीन में एट प्लस करेंगे ट्वेंटी सिक्स, ट्वेंटी सिक्स पर आपका जेड आएगा, यानी कि नेक्स्ट आपका वाई के बाद जेड आना चाहिए। अब ये देख लीजिए किस ऑप्शन में जेड है, अब डी में तो नहीं है भाई, तो ये तो कट हो जाएगा, तो ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ए जेड ए बी आपका राइट आंसर बन जाएगा, ये 100% बिल्कुल सही आंसर है, और ये आपको पूरा करने की जरूरत भी नहीं पड़ी पूरे क्वेश्चन को। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव को ट्राई करिए जल्दी से, क्या राइट आंसर रहेगा इसका। इसमें भी आपको ये सीरीज कंप्लीट करनी है, यहाँ पे क्या आएगा वो आपको बताना है। तो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ, टू से सिक्स के बीच में डिफरेंस कितना है, फोर का है, सिक्स से फोर्टीन के बीच में डिफरेंस कितना है, एट का है, फोर्टीन से ट्वेंटी सिक्स के बीच में डिफरेंस कितना है, ये आपका ट्वेल्व का है। तो यानी कि फोर का इंक्रीमेंट चल रहा है भाई, फोर प्लस किया, फिर फोर में फोर प्लस करके एट प्लस हो गया, एट में फिर फोर प्लस करके ट्वेल्व प्लस हो गया, ट्वेल्व में फिर फोर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिक्सटीन। तो यहाँ पर ट्वेंटी सिक्स में सिक्सटीन प्लस करेंगे तो आपका फोर्टी टू बन जाएगा, सॉरी, हाँ ठीक है, 42 ही होगा। ठीक है, तो 26 में आपने प्लस का 16, तो आपका 42 आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, कोई भी हार्ड सीरीज नहीं होती है, बस एक बार आप पैटर्न को थोड़ा सा समझ जाइए। और ये सारे के सारे क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, यानी कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर सिक्स है ये, और ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है, यदि एक कूट भाषा में कंप्यूटर को ओ सी पी एम टी यू आर ई लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कौन सा विकल्प में आपको, मतलब ये ओ एच के सी वाई, यानी कि ये आपका कोड दे दिया गया है ओ एच के सी वाई ए। देखिए इससे हम सीधा भी एक मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि इससे होगी बनेगा, बट फिर भी हमें कोडिंग डिकोडिंग में ऐसा कुछ सोचना नहीं है कि मतलब तुक्का नहीं लगाना है, जो भी एक पैटर्न चलेगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे इस कोड से कौन सा वर्ड बन सकता है, उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के लिए क्या कोड यूज़ किया गया है। तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए कंप्यूटर जो लिखा है इसमें आपके कोड कुछ इस तरीके से यूज किए गए हैं। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई, मतलब ये मल्टीप्लाई वाली सीरीज चल रही है, सी को यहाँ पे लेके आए, ओ को यहाँ पे रख दिया, एम को यहाँ पे रखा, पी को यहाँ पे रख दिया, यू को यहाँ पे रखा, टी को यहाँ पे रख दिया, ई को यहाँ पे रखा, आर को यहाँ पे रख दिया। तो इस तरीके से दो दो के पेयर की आपकी क्रॉस मतलब कोडिंग हुई है। तो यही आपको पैटर्न फॉलो करना है हॉकी में, मतलब कि आपको क्या करना है, यहाँ पे ये आपका कोड दिया गया है क्वेश्चन में, तो इसको आप लिखेंगे, ओ को आप यहाँ पे लिख देंगे, एच को आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, के को आप यहाँ पे लिख देंगे, सी को आपको यहाँ पे लिख देंगे, वाई को यहाँ पे लिख देंगे, ई को आप यहाँ पे लिख देंगे, तो आपका क्या बन के आएगा, हॉकी इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है भाई, तो हॉकी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर सात है, ट्राई करिए। देखिए इसमें पूछा जा रहा है, दिए हुए विकल्पों में उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कोरस्पोंडिंग, तो कोरस्पोंडिंग का में कौन सा वर्ड यूज करके यहाँ पे बनाया जा सकता है, सॉरी। देखिए यहाँ पे लिखा है आपका सी, तो ये इसमें भी है, ओ भी है, ठीक है, डबल आर भी है, और यहाँ पे ई भी है। यहाँ पे देखिए अब सी दोबारे से आ गया है, अब सी इसमें कहीं पे आपको दोबारा से नहीं दिखेगा, तो एक बार सी यूज हो गया तो दोबारा नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नहीं बनाया जा सकता। फिर नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट बी ऑप्शन को देखते हैं, डी इसमें है, आई भी है, एस भी है, सी भी है,
और आपका ई भी है और आपका आर भी है और एन भी है, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब ये 100% श्योर हो गया कि इसमें ये वाला बन सकता है और आपसे ये पूछा कि इनमें से कौन सा बन सकता है, तो इसका मतलब आपका बी ऑप्शन ही राइट रहेगा, दूसरा कोई भी वर्ड नहीं बन सकता है, ठीक है। क्योंकि एक पूछा तो वही जाएगा ना जो बन सकता है, ये थोड़ी पूछा जाएगा कितने बन सकते हैं, तो एक ही बन सकता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे के आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, कथन है कि सभी गुलाब पीले हैं, कुछ गुलाब फूल हैं। तो सभी गुलाब आपके पीले किस तरीके से हो गए भाई, ये गुलाब है, सभी के सभी गुलाब आपके पीले हो जाएंगे, ठीक है, और सभी पीले आपके फूल हैं, ठीक है, इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। फिर यहाँ पे आपका यही तो बोल क्वेश्चन में बोला गया था, कोई हार्ड नहीं होता है वेन डायग्राम बनाना। अब नेक्स्ट निष्कर्ष में क्या क्या बोला जा रहा है वो देख लेते हैं। कुछ गुलाब पीले हैं भाई, कुछ गुलाब जो हैं वो पीले हैं, तो सारे के सारे गुलाब जब पीले हैं तो कुछ तो होंगे ही, ठीक है। जब सारी वाली कंडीशन फुलफिल है तो कुछ वाली कंडीशन तो ऑटोमेटिक ही फुलफिल हो जाती है, तो यहाँ पे आपका पहले वाला राइट हो जाएगा। दूसरे वाला आपका क्या है, सभी गुलाब फूल है, तो सभी गुलाब फूल नहीं हो सकते हैं। सभी गुलाब फूल कब होंगे, सभी के सभी गुलाब फूल तब होंगे जब गुलाब के ऊपर को फूल वाला ये वेन डायग्राम आ जाएगा, तब सभी गुलाब फूल होंगे, तो ये बी वाला नहीं होगा। ओनली वन इज द राइट आंसर भाई, ओनली ऑप्शन जो निष्कर्ष है आपका वन, वही आपका राइट रहेगा, सेकंड वाला रॉन्ग हो जाएगा। ये आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका एनालॉगी का क्वेश्चन है और इसमें भी कुछ मतलब कोडिंग डिकोडिंग वाला ही सिस्टम होता है। इसमें पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 9 है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो यहाँ पे जो पैटर्न इनके बीच में होगा नेक्स्ट आपको वही फॉलो करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, डी आपका जो है वो चौथे नंबर पे आता है, और फिर नेक्स्ट आपका पी जो है वो 16 नंबर पे आता है। तो डी और पी के बीच में डिफरेंस कितना, 12 का, यानी कि 12 प्लस चल रहा होगा, ठीक है। एच आपका 8 पे आता है और टी आपका 20 पे आता है, यानी कि फिर आपका वही हो गया 12 प्लस हो गया। फिर यहाँ पे इसमें भी आपका 12 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको इसमें करना है, बी एफ जे में करना है। तो बी आपका 2 पे आता है, इसमें 12 प्लस करेंगे 14 पे आपका एन हो जाएगा, तो एन आपका राइट आंसर वाला जो भी ऑप्शन होगा उसमें एन होना चाहिए, यानी कि आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये मुझे मिल चुका है बट फिर भी ट्राई कर लेते हैं। एफ आपका क्या है, 6 नंबर पे आता है, 12 प्लस करिए तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, 18 पे आपका क्या आता है, आर आता है। जे आपका यहाँ पे 10 पे आता है, 10 में आप प्लस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 22, और 22 पे आपका वी आता है। तो एन वी आर मैंने आपको पहले ही ऑप्शन में पहले ही लाइन में बता दिया था कि राइट आंसर ए रहेगा, तो वन इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वेन डायग्राम से दिए गए वर्गों के मध्य संबंध को किस आरेख द्वारा श्रेष्ठ रूप से निरूपित किया गया है, कार, मोटरसाइकिल और ऑटोमोबाइल। देखिए तीनों के तीनों चीज़ रिलेट कर रही है, कार, मोटरसाइकिल और ऑटोमोबाइल। कार और मोटरसाइकिल दोनों ही ऑटोमोबाइल के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपको एक ऐसा वेन डायग्राम देखना है जो दोनों को कवर करता होगा, ऑटोमोबाइल मतलब दोनों को कवर कर रहा होगा। तो ये तो तीनों चीज़ों को अलग शो कर रहा है, तो तीनों अलग तो नहीं हो सकते भाई, मोटरसाइकिल और कार एक ऑटोमोबाइल के अंदर ही आते, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। फिर ये भी नहीं हो सकता, ये कुछ वाली कंडीशन को शो कर रहा है, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कार है, ये मोटरसाइकिल है, और ये दोनों के दोनों ऑटोमोबाइल के अंदर आती है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप समझ रहे होंगे ये वेन डायग्राम के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। भाई ऑप्शंस को हटा दीजिए, जो ऑप्शन बिल्कुल आंसर नहीं हो सकते उनको हटा दीजिए, बाकी जो आपका राइट आंसर होगा वो खुद ही निकल के आ जाएगा, आपको ज़्यादा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। अब ये वाली सीरीज जो होती है इसको करने का तरीका क्या है, इसको काउंट कर लीजिए सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कितने हैं, 12 हैं, ठीक है। 12 में क्या क्या हो सकते हैं, 4 3 12, 4 4 13 बन सकते हैं, 3 4 12, 3 3 के भी बन सकते हैं, और 6 2 12, 6 के भी बन सकते हैं। तो हम 3 के तो नहीं बनाएंगे क्योंकि 3 के बहुत कम चांसेस होते हैं 3 का पेयर बने, 4 से ट्राई करते हैं। तो मैंने 4 का पेयर बनाया यहाँ पे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब मैंने ट्राई करके देखा यहाँ पे मैंने बी रख दिया, ए बी, फिर यहाँ पे ए बी ए, इसका मतलब ये वाली सीरीज तो फॉलो नहीं हो रही भाई। यहाँ पे ए बी हो गया, ए बी, फिर ए आ गया, फिर ए बी, फिर बी ए हो गया, मतलब उल्टा सीधा चल रहा है।
फिर मैंने यहाँ पे ए ए रख के देखा, ए ए, फिर यहाँ पे ए रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, फिर यानी कि ये वाली सीरीज फॉलो नहीं हो रही है फोर में। फिर नेक्स्ट मैंने क्या बताया, सिक्स वाली, तो सिक्स देखिए इसमें दो दो चार पाँच छः, यहाँ पे मैंने रख दिया, सॉरी ये वाला रखा जाएगा, हाँ मैंने यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया, दो दो चार, हाँ तो यहाँ पे आप देखिए इसमें क्या चल रहा है, ए ए, यहाँ मैंने बी रख दिया, फिर ए ए ए और बी, यानी कि तीन बार ए तीन बार बी तीन बार ए तीन बार बी, तो ये वाली सीरीज फॉलो हो रही है। तो कई बार आप इसको ये मतलब सोचा करें कि चार में ही करके देखना है, चार के बाद छः भी आता है तो छः का भी इसमें मतलब आपका बन सकता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी ए बी, तो ए बी आपका ऑप्शन वन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, आशा करता हूँ कि आपने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, और इसमें क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है एक्स वाई का पति है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक एक वर्ड पढ़ते जाना है, उस फालतू बिल्कुल भी नहीं करना है। एक्स वाई का पति है यानी कि वाई एक्स की पत्नी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया, यहाँ पे माइनस लगा दिया ताकि मुझे जेंडर पता रहे, माइनस वाले फीमेल है और प्लस वाले मेल हैं, ठीक है। तो एक्स वाई का पति है तो ये पति पत्नी हो जाएंगे दोनों एक ही जनरेशन के, मैंने इनको एक ही साइड में बैठा दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला जाए डब्लू एक्स की पुत्री है, डब्लू जो है वो एक्स की पुत्री है, यानी कि ये भी एक फीमेल है और ये इसकी पुत्री है एक्स की, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जेड डब्लू का पति है, तो जेड डब्लू का पति का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जेड जो है वो डब्लू का पति है, तो इनके बीच में आपका पति पत्नी का रिलेशन हो जाएगा ये दोनों के, ठीक है भाई। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जेड और डब्लू का हो गया। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है एन जेड की पुत्री है, एन जो है वो जेड की पुत्री है, यानी कि एन जेड की पुत्री, इसके नीचे एक जनरेशन कम आएगी तो एन हो जाएगी जेड की पुत्री, ठीक है। अगर एन जेड की पुत्री है, ये इसका पिता है तो ये इसकी माँ हो जाएगी, सीधी सी बात है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एन की ये माँ हो जाएगी, ये इसके पिता है, इसी तरीके से डब्लू की ये माँ हो जाएगी और ये इसके पिता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, एन का वाई से क्या संबंध है, एन का वाई से क्या संबंध है, देखिए एन और वाई के बीच में क्या है, ये आपका एन है, ये इसकी बेटी है, ये इसका पति है और ये इसकी बेटी है, यानी कि इसकी बेटी की बेटी, यानी कि क्या हो जाएगा, नानी हो जाएगी, ठीक है। ठीक है भाई, भाई इसकी बेटी ये है और इसकी बेटी की मतलब बेटी, तो क्या लगेगी, नानी लगेगी ना, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, नातिन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, और आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। चलिए तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपने सारे क्वेश्चन ट्राई भी किए होंगे। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा। और आप अगर टेस्ट परचेज करना चाहते हैं किसी भी इन सभी में से, RPF कॉन्स्टेबल का, RPF SI का, ग्रुप डी का, UP वीडियो का, ALPCBT2 का, तो बहुत ही सस्ते टेस्ट हैं। और सबसे मेन बात, ये खास बात ये है कि अच्छे हैं, ये मैंने खुद ट्राई करके देखे सारे के सारे एक एक टेस्ट, बहुत अच्छे टेस्ट हैं और ये बहुत ही मतलब सस्ते प्राइस में 20 टेस्ट हैं। 20 टेस्ट अगर आप लगा लेते हैं तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है, जिसमें आप टाइम सेव कर सकते हैं। जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने आए, आपको लगेगा कि मैं 20 टेस्ट ऐसे ऐसे 20 एग्जाम तो पहले ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो आप इसको क्या करें, ये 20 टेस्ट का जो 120 रुपये के हैं, इसको खरीद के लगाना स्टार्ट कर दीजिए। RPF ऐसा या RPF कॉन्स्टेबल ग्रुप डी सभी जिनका भी एग्जाम अभी बचा हुआ है, ठीक है। और ये 120 रुपये का तब मिलेगा जब आप इस कोड को भरेंगे, ठीक है। अदरवाइज ये आपको मिलेगा 150 रुपये में, 30 रुपये का डिस्काउंट तब मिलेगा जब आप इस कोड को भरते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी कोई चीज़ आपकी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और देखिए दोस्तों, इसकी PDF आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे टॉपिक स्टडी, ठीक है। तो ये बहुत सारी PDF ऑलरेडी वहाँ पे पड़ी हैं और उनसे आप पढ़ाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।